हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेज हाउस। आज हम बनाने वाले हैं खिचा चाट। खिचा चाट ये बहुत ही स्नैक्स और हेल्दी रेसिपी है। इसमें मैंने सारे वेजिटेबल्स इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए अब देखते हैं खिचा चाट कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने खिचा लिया है, ये रागी का खिचा है। आपके पास कोई भी फ्लेवर का हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने दो खिचे लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डीप फ्राई करने वाली हूँ। ऑयल में हम इसे डाल के अच्छे से तल के लेंगे। ये जो खिचा है तला हुआ, जो इसे फूल गया है, इसे प्रॉपरली खा नहीं पाएंगे, तो हम इसके छोटे पीसेस में टुकड़े करेंगे। साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, टमाटर, पत्ता गोभी, ककुम्बर यानी ककड़ी, बारीक सेव, धनिया पत्ती, इमली पानी और हरे चटनी। सबसे पहले हम इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, प्याज, ककड़ी। ककड़ी का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आता है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। टमाटर, ग्रीन पुदीना की चटनी यानी मिंट चटनी, इमली का पानी, पत्ता गोभी, धनिया पत्ती और बारीक सेव। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा ये जो खिचा चाट है ये बनके रेडी हो चुका है। ये दिखने में भी कितना डिलीशियस है और ये खाने में भी बहुत ही यम्मी है। तो ये इसे स्नैक्स में या हाई टी में आप इसे ज़रूर बना के देखिए। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हो तभी भी आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिए। ये खाने में बहुत ही हेल्दी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।